गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. इन चारों में से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हमें चुनना है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंड इज जनरली यूज फॉर डैश कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ऑल ऑफ दिस. तो देखो, लैंड का इस्तेमाल हम सभी चीज़ों के लिए करते हैं. कल्टीवेशन के लिए भी करते हैं, लाइफ स्टॉक्स के ग्रेजिंग के लिए भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज आवर आंसर. सो फर्स्ट का आंसर हमारा है ऑप्शन डी. नाउ विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज लैंड ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड वॉट? कम्युनिटी लैंड, पब्लिक लैंड, कॉमन लैंड और प्राइवेट लैंड. तो अगर कोई इंडिविजुअल लैंड ओन करता है तो वो प्राइवेट लैंड कहलाएगा, वो उसका खुद का है. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द टर्म एरेबल लैंड मीन्स कल्टिवेबल लैंड, डिग्रेडेड लैंड, इरिगेटेड लैंड और एरिड लैंड. तो हमारा आंसर होगा कल्टिवेबल लैंड. ये आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा. फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन डी, सेकेंड का आंसर हमारा फिर से ऑप्शन डी, थर्ड का ऑप्शन है हमारा ए. ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन. नाउ स्टूडेंट, द फोर्थ वन, रिवर वैलीज हैव द बेस्ट सॉइल्स बिकॉज. क्यों रिवर वैलीज का जो सॉइल होता है वो बेस्ट होता है? दे आर वेट ऑल द टाइम, एनुअल फ्लड्स रिन्यू इट विथ सिल्ट, दे आर लो लाइंग एरियाज और नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस तो होगा नहीं. अब इन तीनों में से देखेंगे, क्योंकि वो हर समय वेट रहते हैं. नहीं, ये गलत हो जाएगा. दे आर लो लाइंग एरियाज, नहीं ये भी नहीं. बिकॉज वाई दे आर बेस्ट सॉइल्स, बिकॉज हमेशा जो फ्लड आती है ना उससे न्यू सिल्ट आती है जो बहुत फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से जो रिवर वैलीज है वो बहुत फर्टाइल होती है. इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस फोर्थ वन, रिवर वैलीज हैव द बेस्ट सॉइल्स बिकॉज एनुअल फ्लड्स रिन्यू इट विथ सिल्ट. नाउ द फिफ्थ वन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लगिंग आर प्रैक्टिस टू वॉट? ब्रिंग रेनफॉल, कंजर्व सॉइल, इरोड सॉइल, रियर एनिमल्स. तो देखो, जो ये दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं ये हम सॉइल के कंजर्वेशन के लिए करते हैं, ताकि जो टॉप सॉइल जो हमारा है, जो इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, वो बचा रह जाए. इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दे आर सुटेबल टू व्हाट? क्या आंसर होगा हमारा? हमारा फर्स्ट का आंसर होगा एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन. फिलिप्स का फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा कल्टीवेशन, बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. इसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, डैश इज द थिन अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ दिस इंटीग्रेटेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आप देखो, जो हमारा जो थिन अपर लेयर जो अर्थ क्रस्ट का है वो हमारा क्या है? सॉइल है. क्या है? सॉइल. तो जो हमारा पहला ऑप्शन, सेकेंड का जो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो होगा सॉइल. ठीक है, पहला सॉइल होगा. अब हम लोग बी की ओर आएंगे. बी क्या होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ डिसइंटीग्रेटेड व्हाट? यहाँ पे क्या आएगा आंसर? रॉक्स. क्योंकि रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही ये सॉइल बनता है. तो यहाँ पे लिख देंगे डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमको पता है ह्यूमस कंटेंट भी उसमें होता है. थर्ड वन क्वेश्चन है, डैश ऑफ सॉइल अकर्स व्हेन इरिगेशन इज नॉट एकम्पनीड बाय ड्रेनेज. जब इरिगेशन ड्रेनेज का ना हो तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर लॉगिंग होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉगिंग सॉइल इरोजन इज डन. तो आप देखोगे सॉइल इरोजन काफ़ी ख़राब चीज़ हमारे लिए. तो हमारा आंसर होगा वाटर लॉगिंग, LOGGING, वाटर लॉगिंग. इसकी वजह से जो क्या होता है हमारा? इरोजन होता है सॉइल का. जो सॉइल है वो डिग्रेड होता है. तो थर्ड का आंसर क्या होगा? वाटर लॉगिंग. फर्स्ट था सॉइल, सेकेंड रॉक्स एंड थर्ड वन इज वाटर लॉगिंग. नाउ फोर्थ वन, टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर इरिगेशन आर
ओवर इरिगेशन की वजह से क्या दो प्रॉब्लम आते हैं? तो इसमें आंसर आपको मिलेगा वाटर लॉगिंग एंड सेलेनाइजेशन। तो आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन में आएंगे हम लिखेंगे SALINI सेलेनाइजेशन, SATION। सेलेनाइजेशन, ओके, सेलेनाइजेशन होगा एंड सेकेंड विल बी वाटर लॉगिंग। तो इन दोनों में आप देखो जो दो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं इरिगेशन के, दैट आर वाटर लॉगिंग एंड सेलेनाइजेशन। ये थर्ड वन है, इसमें आप जो वाटर लॉगिंग के ब्रैकेट में बगल में आप इरोजन लिख सकते हो, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज फर्टाइल सॉइल्स आर कॉल्ड व्हाट इन द प्रेरीज, प्रेरीज में फर्टाइल सॉइल्स को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा चेरनोजेम्स। इसका लास्ट वन का आंसर हमारा होगा, आप स्पेलिंग बाय बुक से मिला लेंगे, चेरनोजेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन द प्रेरीज ऑफ USA एंड कैनेडा दिस फर्टाइल सॉइल्स आर कॉल्ड चेरनोजेम्स। तो ये हो गया आपका लास्ट फिलअप। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज ए एंड बी। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।